हेलो फ्रेंड्स, आई एम राकेश कुमार। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द थीव्स स्टोरी। दिस इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई वॉज स्टिल अ थीफ। मैं अभी भी एक चोर था। व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला, एंड दो ओनली 15, हालांकि मैं सिर्फ 15 साल का था, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। लेकिन फिर भी मैं काफ़ी अनुभवी था और मेरा जो हाथ है वो काफ़ी साफ हो गया था चोरी करने में। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अनिल जो है वो पहलवानी का एक मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा, ही वॉज अबाउट 25, वह लगभग 25 साल का था। अ टॉल लीन फेलो, एक लंबा दुबला पतला सा व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, वो काफ़ी सीधा साधा लग रहा था। काइंड एंड सिंपल इनफ, काफ़ी दयालु, काफ़ी सिंपल, फॉर माय पर्पज, मेरे उद्देश्य के लिए, मेरी चोरी के उद्देश्य के लिए वो बिल्कुल ठीक था। I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. तो मेरा लक बहुत लेट नहीं हुआ था और मैंने सोच लिया था कि मैं इस यंग व्यक्ति का कॉन्फिडेंस जीत पाऊंगा। You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. थोड़ी सी चापलूसी दोस्ती करने में मदद कर देती है। तो मैं बोला कि आप खुद भी एक रेसलर जैसे ही लगते हो, पहलवान जैसे ही लगते हो। So do you, he replied. उसने उत्तर दिया, हाँ तुम भी वैसे ही लगते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, जिसने मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कम कर दिया। बिकॉज एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय आई वॉज रादर थिन, मैं बहुत ही दुबला पतला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, मैंने विनम्रतापूर्वक बोला, आई डू रेसल अ बिट, मैं भी थोड़ा रेसलिंग करता हूँ। What's your name? तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह, I lied. मैंने झूठ बोल दिया, मेरा नाम हरि सिंह है। I took a new name every month. हर महीने में एक नया नाम रख लेता था। That kept me ahead of the police. ये चीज़ मुझे पुलिस से बचाती थी and my former employers. और मेरे पहले के जो एम्प्लॉयर्स थे, जिनके यहाँ मैं काम करता था, उनसे भी बचाती थी। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स। अनिल बढ़िया तेल लगे हुए रेसलर्स के बारे में बात कर रहा था, हु वर ग्रंटिंग, जो गुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग उठा रहे थे, एंड थ्रोइंग ईच अदर, और एक दूसरे को फेंक रहे थे अबाउट वहाँ पर। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को था नहीं। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं भी कैजुअली उसके पीछे पीछे गया। हेलो अगेन, ही सैड, उसने आगे बोला, हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे अपनी सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली मुस्कुराहट उसके सामने बिखेरी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सैड, मैंने बोला मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो वो बोला, बट आई कॉन्ट पे यू, मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता। आई थॉट दैट, मैंने सोचा कि ओवर फॉर अ मिनट, एक मिनट से ज़्यादा तक सोचा, परहैप्स आई हैड
मिसजज्ड माय मैन, कि शायद मैंने अपने आदमी को गलत जज कर लिया है, इसके यहाँ मैं क्या चोरी करूँगा। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, फिर आगे मैंने पूछा क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो। तो उसने पूछा कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोल दिया, हाँ मैं खाना पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक, यदि तुम खाना पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो हो सकता है मैं तुम्हें खाना खिला पाऊँ। ही टुक मी टू हिज रूम, वो मुझे अपने कमरे में ले गया, ओवर द जुमना स्वीट शॉप, जो जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था, एंड टोल्ड मी, और उसने मेरे से बोला, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ, बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट, लेकिन वो खाना जो मैंने उस रात बनाया मस्ट हैव बीन टेरिबल, अवश्य ही बहुत बड़ा भयंकर रहा होगा, बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने वो खाना एक गली के कुत्ते को दे दिया, एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मेरे से जाने के लिए कहा, बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं उसके चारों तरफ ही मंडराता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और प्रभावशाली ढंग से मैं मुस्कुराता रहा, एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और फिर वो भी हंसे बिना नहीं रह पाया। लेटर, बाद में, ही पैटेड मी, उसने मेरे को थपथपाया ऑन द हेड, मेरे सिर पर, एंड सैड, और बोला, नेवर माइंड, कभी दिमाग पर मत रखना, ही वुड टीच मी टू कुक, और बोला कि वो मेरे को खाना बनाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया, एंड सैड, और बोला ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, वो जल्द ही पूरे सेंटेंस लिखना भी मेरे को सिखाएगा, एंड टू ऐड नंबर्स, और अंक जोड़ना भी, नंबर जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं आभारी था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, कि एक बार मैं लिखने लगा पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह, देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, तो कोई लिमिट नहीं होगी कि मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, शायद बड़े स्तर पर चोरी करेगा फिर। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना काफ़ी अच्छा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता था, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और फिर मैं अपना समय दिन भर की ज़रूरी चीज़ों की ख़रीदारी में लगा देता था, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे, और एक दिन में एक रुपए का प्रॉफिट भी लगभग कमा लेता था, खरीदते समय जो भी बचता था वो मैं रख लेता था। आई थिंक ही न्यू, मुझे लगता है उसे पता था, अनिल को पता था, आई मेड अ लिटिल मनी, कि मैं थोड़ा पैसा बनाता हूँ दिस वे, इस तरह से, बट ही डिडंट सीम टू माइंड, लेकिन उसने कभी माइंड नहीं किया, कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल बड़े अनियमित तौर पर पैसा कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, वो एक सप्ताह पैसा उधार लिया करता था, लेंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह उसे चुका दिया करता था। ही कैप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वह अपने अगले चेक के लिए इंतज़ार करता रहता था, चिंता करता रहता था। बट एज सून एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही वो चेक आता था, ही वुड गो आउट, वो बाहर जाता था, एंड सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स, ऐसा लगता है, ही रोट फॉर मैगजीन्स, वो मैगजीन्स के लिए लिखता था, पत्रिकाओं के लिए लिखता था। अ कुअर वे टू मेक अ लिविंग, बड़ा अजीब सा तरीका था जीविका कमाने का, वो लिख के पैसा कमाता था। वन इवनिंग, एक शाम, ही केम होम, वो घर आया,
विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, नोट्स का छोटा सा बंडल लेकर, सेइंग बोलने लगा, ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, कि उसने अभी अभी एक पब्लिशर को एक बुक बेची है। एट नाइट, रात में आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, रात में मैंने उसे देखा कि उसने पैसा मैट्रेस के नीचे रख दिया, चटाई के नीचे रख दिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं अनिल के लिए लगभग एक महीने से काम कर रहा था, एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और ख़रीदारी के समय की चीटिंग के अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने अपनी लाइन का चोरी का कोई काम नहीं किया था इसके अलावा। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे को हर एक मौका मिला था ऐसा करने का। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मेरे को चाबी दे रखी थी दरवाजे की, एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं आ सकता था जा सकता था जब भी मैं चाहूँ। He was the most trusting person I had ever met. वो सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था जिससे अभी तक मैं मिला था। And that is why, और यही कारण था, it was so difficult to rob him, कि उसे लूटना बहुत ही कठिन था। It's easy to rob a greedy man, आसान होता है एक लालची व्यक्ति को लूटना, because he can afford to be robbed, क्योंकि वो लूट लिया जाना अफोर्ड कर सकता है एक लालची व्यक्ति। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस व्यक्ति को लूटना कठिन होता है। समटाइम्स कभी कभी ही डजेंट इवन नोटिस, वह यहाँ तक कि नोटिस भी नहीं करता ही इज़ बीन रॉब्ड, कि उसे लूटा जा रहा है, एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इससे ना काम का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, वेल ये समय था जब मैं कुछ रियल काम कर रहा था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से बोला, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि अब मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया हूँ, एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और यदि मैंने पैसा नहीं चुराया, पैसा नहीं उठाया, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वो यानी कि अनिल ये पैसा अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, आखिरकार वो मेरे को भी पे नहीं करता, मेरे को भी तनख्वाह नहीं देता। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, चंद्रमा की रोशनी बालकनी के ऊपर पड़ रही थी, एंड फेल ऑन द बेड, और बिस्तर भी पर भी पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर उठकर बैठ गया। कंसीडरिंग द सिचुएशन, स्थिति के बारे में सोचते हुए। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैंने पैसा ले लिया, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं लखनऊ के लिए जो 10:30 पर एक्सप्रेस ट्रेन जाती है वो पकड़ सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कंबल से बाहर निकलते हुए, आई क्रैप्ड अप टू द बेड, मैं बिस्तर की तरफ आगे बढ़ा रेंगता हुआ। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। His face was clear, उसका चेहरा बिल्कुल क्लियर था, and unlined, कोई धारियाँ नहीं थी उसके चेहरे पर। Even I had more marks on my face, हालांकि मेरे चेहरे पर काफ़ी निशान थे। Though mine were mostly scars, और मेरे चेहरे पर ज़्यादातर धारियाँ थीं। My hand slid under the mattress. मेरे हाथ धीरे धीरे मैट्रेस के अंदर गए। Searching for the notes, नोट्स की तलाश में। When I found them,
और जब मैंने उन्हें पा लिया, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, तो मैंने उनको बिना आवाज़ के खींच के निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल ने अपनी नींद में गहरी सांस ली एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, और अपनी करवट बदली टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ करवट ले ली। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं चौंक गया, एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, और जल्द ही मैं कमरे से बाहर निकल गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर आया, आई बिगेन टू रन, तो मैं दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मैंने वो नोट्स अपनी कमर में रखे हुए थे। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामाज, और वो मैंने वहाँ पर पजामा के नाड़े से बांध रखे थे। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक, मैं थोड़ा धीरे चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने वो नोट गिने। 600 रुपीस इन 50s, 50-50 के नोट थे, पूरे 600 रुपए थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, इन पैसों से एक या दो सप्ताह तक मैं अरब के जो शेख होते हैं, अमीर शेख, उनकी तरह रह सकता था। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुँचा, I didn't stop at the ticket office, तो मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदा था। But dashed straight to the platform, बल्कि मैं सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ गया। The Lucknow Express was just moving out, लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी बस जा रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन अभी भी स्पीड पकड़ रही थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरिजेस, और मुझे एक डिब्बे में जाके बैठ जाना चाहिए था, कूद जाना चाहिए था उसके अंदर। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया फॉर सम रीज़न, किसी कारण से, आई कांट एक्सप्लेन, वो कारण जो मैं बता नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और दूर जाने का चांस मैंने छोड़ दिया। वो जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो निकल गई। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई थी, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन, मैंने अपने आप को अकेला खड़ा हुआ पाया। ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, उस खाली प्लेटफॉर्म पर। आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं था वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि मैं रात कहाँ बिताऊँगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे दोस्त भी नहीं थे, बिलीविंग, और ये सोचते हुए मैंने दोस्त नहीं बनाए थे, ये बिलीव करते हुए, दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, कि जो दोस्त हैं वो परेशान ज़्यादा करते हैं मदद की तुलना में, ख़ासतौर से मेरी लाइन में, चोरी की लाइन में। एंड आई डिडंट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और स्टेशन के आसपास किसी छोटे होटल में ठहर कर मैं किसी की जिज्ञासा बढ़ाना नहीं चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू Really well was the man I had robbed. सिर्फ एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं अच्छी तरह जानता था वहाँ पर, उस आदमी को मैंने अभी अभी लूटा था। Leaving the station, स्टेशन छोड़ते हुए, I walked slowly through the bazaar. मैं धीरे धीरे बाजार से होकर के गया। In my short career as a thief, चोरी के मेरे छोटे से करियर में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, मैंने लोगों के चेहरों का अध्ययन किया था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपना सामान खो देते थे। द ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची आदमी डर दिखाता था। द रिच मैन शोड एंगर,
अमीर आदमी गुस्सा दिखाता था, द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब आदमी एक्सेप्टेंस दिखाता था, स्वीकार कर लेता था कि ठीक है चोरी हो गई कोई बात नहीं, ऊपर वाला और देगा। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था दैट अनिल्स फेस, अनिल का जो चेहरा है, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे चोरी की बात पता लगेगी, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो बस उसके चेहरे पर दुख होगा, उदासी होगी, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसा खोने के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वास खोने के लिए। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने खुद को मैदान में पाया, एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, और मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात बहुत ही बर्फीली थी, इट वॉज अर्ली नवम्बर, ये शुरू की नवम्बर का महीना था, एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और थोड़ी सी बौछार ने, बरसात ने, रिमझिम ने मेरी परेशानी और बढ़ा दी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और जल्द ही काफ़ी तेज भी बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पाजामाज स्टक टू माई स्किन, मेरी शर्ट, मेरा पजामा मेरी स्किन से चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा जो है वो मेरे चेहरे से होकर के गुजर रही थी, बारिश में जो हवा चल रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार वापस गया, एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर के नीचे जाकर मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी बता रही थी कि आधी रात हो गई थी, 12 बज गए थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मुझे वो नोट महसूस हुए, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो बारिश की वजह से गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, अनिल का जो ये पैसा था, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees, सुबह शायद वो मेरे को 2 या 3 rupees दे देता टू गो टू द सिनेमा, सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास पूरे पैसे थे। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, अब मेरे को उसका खाना नहीं बनाना था। रन टू द बाजार, बाजार नहीं भागना था, और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, और अब पूरे सेंटेंस लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं इन सब चीज़ों के बारे में भूल ही गया था चोरी करने के एक्साइटमेंट में। होल सेंटेंसेस, पूरे सेंटेंस, आई न्यू, मैं जानता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 rupees, कि वो पूरे सेंटेंस मेरे लिए कहीं ज़्यादा पैसे ला सकते हैं, कुछ 100 paisa की तुलना में, रुपयों की तुलना में। इट वॉज़ अ सिंपल मैटर टू स्टील, ये सिंपल मैटर था चोरी करने का, एंड समटाइम्स कभी कभी जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और ये सिंपल मैटर होता है कि आप पकड़े भी जाएं। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन वास्तव में बड़ा व्यक्ति बनने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक चालाक और रिस्पेक्टेड व्यक्ति जो है वो समथिंग एल्स, उसकी कुछ बात ही अलग है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मेरे को अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से बोला, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यदि मैं पढ़ना और लिखना चाहता हूँ तो मेरे को अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम, मैं कमरे में जल्दी से वापस गया, फीलिंग वेरी नर्वस, काफ़ी घबराहट महसूस करते हुए। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, क्योंकि कुछ चुराना बहुत आसान है देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, लेकिन इसको लौटाना, वो भी बिना पता लगे लौटाना, ये मुश्किल है। आई ओपेंड द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप दरवाज़ा खोला, देन स्टूड इन द डोर वे, फिर मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ, इन क्लाउडेड मूनलाइट, चंद्रमा की जो रोशनी थी वो आ रही थी। अनिल वॉज स्टिल असलीप,
अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रैप्ड टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बिस्तर के हेड की तरफ रेंग कर गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, मैंने अपने हाथ में नोट्स पकड़े। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मेरे हाथ पर मैंने उसकी सांसों को महसूस किया। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं एक मिनट के लिए शांत रहा, स्थिर रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और तब मुझे चटाई का किनारा मिल गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और इसके नीचे मैंने वो नोट रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मैं लेट उठा। टू फाइंड, और मैंने पाया दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी। ही स्ट्रेस्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ अपना हाथ आगे किया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल जो है वो सहम गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, वो बोला कि मैंने कुछ पैसा कमाया कल। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब तुम्हें रेगुलरली पैसे दिए जाएंगे। माई स्पिरिट्स रोज, तो मेरी आत्मा को सुकून मिला। बट व्हेन आई टुक द नोट, जब मैंने वो नोट देखा, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, वो नोट अभी भी गीला था रात की बारिश की वजह से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, वो बोला, अनिल बोला, आज हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वो जानता था, वो सब कुछ जानता था। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, लेकिन ना तो उसके होठों ने कुछ दिखाया और ना ही उसकी आँखों ने। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने अनिल की तरफ मुस्कुराया सबसे अच्छे तरीके से, मैं मुस्कुराया प्रभावशाली तरीके से। एंड द स्माइल केम बाय इट्सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और मुस्कुराहट अपने आप ही आ गई बिना किसी प्रयास के, बिना किसी कोशिश के। सो दिस वॉज द चैप्टर।